किस तरह से मनाई जा रही है, नॉर्मल हो गई है चीजें, कितना मिस किया सबसे पहले तो आप लोगों ने इस नॉर्मल लाइफ में? बहुत मिस किया नॉर्मल लाइफ को, इनफैक्ट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिवाली बट बहुत सी चीजें नॉर्मली मिस करते हैं। एंड अब दिवाली आज है, अब दो दिन बाद सूर्यवंशी इन थिएटर, आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मली, टू गुड थिंग्स हैपनिंग दिस व्हिच वी रियली लाइक। करण, दिवाली की अगर बात करें तो इस बार दिवाली के क्या प्लान्स हैं? यही दोस्तों के साथ मिलेंगे एंड होपफुली इस बार मुखौटे नहीं होंगे, मास्क नहीं होंगे एंड बिना किसी टेंशन के झिझक झिझक के मिल पाएंगे। वेल, दिवाली ही एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे हम अपने स्टाइल्स वगैरह को अच्छी तरह से फ्लॉन्ट कर सकते हैं, या कोई त्यौहार होता है तो इन इस लास्ट ईयर्स में त्यौहार नहीं मनाए गए हैं, तो अब आज जिस तरह से तैयार होके आए हैं, कुछ अपने लुक के बारे में बताना चाहेंगे? आसान नहीं था, बिकॉज़ ट्रस्ट मी, ये दो साल में जो मेरी मदरहुड की जर्नी रही है, तो ग्लैमर कैसे होते हैं मुझे याद करना पड़ा था, हील्स पहन के चलते कैसे, हैव टू रिमाइंड माय सेल्फ ऑन वॉक हील्स, बिकॉज घर पे तो यू नो इट्स टी शर्ट एंड जंपिंग अराउंड, बट इट्स फन टू बी बैक हियर। वेल, बहुत ज़्यादा अलग है, बिकॉज अब पहले होता था कि जल्दी तैयार हो क्या कर रही है, अब यहाँ होता है कि मेहर सोई है नहीं है भाई, मेहर सोई ही तो हम निकलेंगे, बट आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। पहले होता था फोन चेक करना कि मैसेजेस के लिए, इंस्टा के लिए, अब सिर्फ वो कैम ऑन होता है क्योंकि तो नहीं लास्टली दिवाली विश कर देते हैं। ये क्या नंबर? वैसे ही हम बहुत लोगों के पास हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पटाखे मत फोड़ना ये कैमरे।